नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में। सबसे बड़ी खबर लेकर इस वक्त की हाजिर हो चुके हैं। देश में कोरोना के कोहराम के बाद में अलग अलग राज्यों से लॉकडाउन की खत्म होने की स्थिति साफ नजर आ रही है और साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते प्रकोप अब कम होने का नाम ले रहे हैं। इसी बीच नई बीमारियां भी सामने निकल कर आ गई है। पप्पू यादव को लेकर इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ गई है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद में पहली बार राजीव प्रताप रूडी सामने है और उन्होंने बड़ी ही गंभीरता के साथ कई बातों को कहा। देखिए इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी पप्पू यादव का समर्थन करते हैं और जल्दी से जल्दी पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलें। नीतीश सरकार ने आज बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। किसानों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने निकल कर आ गया है। देखिए क्या कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। साथ ही साथ राज्य की सरकार अब आपको बता देते हैं कि अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए लैपटॉप वितरण करने जा रही है। डिजिटल तरीके से होने वाले पढ़ाई लिखाई को लेकर अब एक बार फिर से बड़ा इस वक्त का ऐलान हो चुका है। तो क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, देखिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज गंभीरता के साथ कई बातों को कह दिया और ट्विटर के माध्यम से तेजस्वी यादव ने बातों को कहते हुए आज एक लेटर भी नीतीश कुमार को भेजा और इस लेटर के अंदर क्या कुछ लिखा गया है देखिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और आपको पप्पू यादव एक साथ आकर लोगों की मदद करें तो इस वीडियो को लाइक कर समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा लिया है। क्या कुछ बड़ी कदम है लॉकडाउन को लेकर इस वीडियो में बताया जाएगा। आपको बता दें कि एक राज्य की सरकार ने 2,000 रुपए की किस्त सभी के खातों में डालने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन से परेशान लोगों के खातों में डाला जाएगा 2,000 रुपए। तो आप भी किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। कोरोना वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से शुरू है। 18 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ गई है। देखिए क्या है 18 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीन का बड़ा खुशखबरी। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर के अंदर शादी और विवाहों को लेकर सरकार के नए प्रोटोकॉल का नहीं पालन करने पर अब आपको भी सजा हो सकती है। आपको किस तरीके से सजा होगी इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर के अंदर इस वक्त की बड़ी खबर रेडी पटरी पर दुकान लगाने वाले तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। अगर आप भी रेडी पटरी पर दुकान लगाते हैं तो आपको आज की खबर जरूर जान लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे रेल यात्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। IRCTC ने जारी की नए लिस्ट जिसके माध्यम से आपको भी अगर रेल यात्रा करना है तो आज की यह बड़ी खबर जरूर जान लीजिएगा। तो सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारी भी मेहनत का फल वीडियो को लाइक करने से मिलता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी क्या होगी? क्या पप्पू यादव की तरह ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा? यह बात हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि RJD के नेताओं ने लगातार इस बात का सवाल खड़ा किया है जिस तरीके से सरकार के द्वारा गलत और बिना किसी वजह के तेजस्वी यादव पर पिछली बार कोरोना में मदद करने के दौरान केस हुए थे, उसी तमाम चीजों को देखते हुए इस बार भी RJD लगातार मदद लोगों कर रही है और RJD के बड़े नेता दरअसल अस्पतालों में जाकर लोगों की जायजा लेना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने अनुमति लेना चाहा, लेकिन आपको बता दें कि अनुमति लेने से पहले RJD के कई नेताओं ने यह भी बात कही है कि क्या RJD के बड़े नेता और आपको बता दें कि इस वक्त के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्या लोगों के बीच जाएंगे और लोगों की जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं क्या इस तमाम चीजों को देखते हुए सरकार उन्हें भी जेल के सलाखों के पीछे डालेगी? ये सरकार से सवाल उन्होंने पूछा है। साथ ही साथ आपको बताएंगे एक और बड़ी खबर। दरअसल आपको बता देते हैं कि राजद के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया तो तेजस्वी यादव की एक अपील के बाद में राजद के तमाम कार्यकर्ता, जैसे कि आपको बता दें कि ट्वीट के माध्यम से आप
की एक्टिविटी जान सकते हैं, नालंदा की बात करें या फिर हाजीपुर की बात करें, पटना के तमाम इलाकों की बात करें जहां पर लगातार मदद किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव के समर्थन में एक ट्वीट में लिखा गया कि तेजस्वी यादव जो बात कहते हैं वो बात को यह सरकार तो मानती जरूर है, लेकिन कुछ समय बाद अपने अहंकार में नीतीश बाबू अपने आप समेत इस बिहार को भी डुबो देंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बातों को मानते हुए वो कार्य को करें, यह बेहद जरूरी बन गया है। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद में यादव समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया और मिस कॉल के लिए नंबर जारी किया, जहां पर आप भी पप्पू यादव की रिहाई के लिए मिस कॉल कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप भी पप्पू यादव के समर्थन में हैं और आप चाहते हैं कि बिहार के एक ऐसे नेता जो गरीबों की मदद कर रहे थे, गरीबों के मसीहा के रूप में थे, बिहार के गली गली में चौराहे चौराहे पर पप्पू यादव के भोजन आज भी वितरण हो रहे हैं, ये तमाम सेवाएं और तमाम पप्पू यादव के समर्थक पप्पू यादव को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर ला पाए, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज जरूर करिएगा। दरअसल पप्पू यादव की लगातार रिहाई की मांग हो रही है और बिहार के कोने कोने से इस बात की मांग हो रही है कि एनडीए की सरकार धोखेबाज और गुनहगारों को छिपाने का काम कर रही है। एम्बुलेंस चोर को छिपाकर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई जो एम्बुलेंस चोर का पर्दाफाश किया था, और उन्होंने कहा कि 30 साल पुराने केस में पप्पू यादव की जिस पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है उस कोर्ट का असली विक्टिम जो है, यानी जो आपको बता दें कि उस केस का जीमोआर जो लिया है, यानी जो केस किया है पप्पू यादव पर, वो खुद आकर सामने कह रहा है कि वह केस कहीं कब खत्म हो गया था। उसके बाद में भी पप्पू यादव को फंसाकर जेल में रखा जा रहा है ताकि उनको लगातार पीड़ित किया जा सके। और पप्पू यादव के समर्थकों ने कहा है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करके जेल में इसलिए डाला गया है ताकि पप्पू यादव को कोरोना पॉजिटिव बताकर मारा जा सके। यानी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार के ऊपर गंभीर सवाल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार पप्पू यादव के समर्थक पप्पू यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं और पप्पू यादव की एक अपील के बाद लोगों की मदद करने के लिए सड़कों पर उतरकर मदद कर रहे हैं, इसको देखते हुए अब यादव समाज के लोगों ने रिहाई की मांग करना शुरू कर दिया है। तो पप्पू यादव की रिहाई की अगर अभी मांग करते हैं, समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और समर्थन दर्ज जरूर करिएगा। साथ ही साथ आज से लॉकडाउन का नए नियम के साथ में हलचल मच गया है। दरअसल आपको बता देते हैं कि शादी समारोह के अंदर 20 लोगों से ज्यादा लोगों को शामिल आप नहीं कर सकते हैं, यह सरकार के प्रावधान और सरकार के नए प्रोटोकॉल में साफ साफ दर्शा दिया गया है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। दरअसल सरकार के इस अपील के बाद में सड़कों पर निकलना, तमाम चीजों को व्यवस्थित ढंग से करना मुश्किल हो गया है। ई कॉमर्स साइटों को भी कई जगहों पर बैन कर दिया गया है, जो ई कॉमर्स साइट से भी आप नहीं खरीद सकते कुछ भी। तमाम चीजों को किए जाने के कोरोना के इस काल में 10 दिनों का यह लॉकडाउन काफी ज्यादा प्रभावशाली होगा, जिसमें घरों से बाहर निकलना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इसीलिए हम आपसे यह अपील करेंगे कि सरकार के नियमानुसार आप प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। अगर आप सरकार के नियमानुसार प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो यह एक कानूनी अपराध है और इसके जुर्म में आपको सरकार का सजा भी हो सकता है और आपके गाड़ी और आपका मोटा चालान भी कट सकता है, जिससे आपके जेब पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो जेब पर भी प्रभाव ना पड़े इसकी खास आपको ध्यान रखना है और सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा असहूलियतें ना हो सके। हालांकि आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को बंद करने और खोलने के नए सीमा को प्रावधान को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद में ये तमाम नियम और कानून का पालन करना लोगों के लिए थोड़ा सा जी आपको बता दें कि जरूरी है। कोरोना के इस काल में बिहार में जहां पर केस लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं पर लॉकडाउन को प्रभावशाली बनाकर सरकार लगातार कोरोना के चेन को तोड़ने में लगी हुई है। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसे माहौल हो गए हैं तो बिहार में भी बाढ़ जैसे माहौल ना हो, लेकिन फिलहाल स्थितियां बनती हुई साफ हो रही है, कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें मत्स्य विभाग के मंत्री ने क्या कुछ कहा, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन जिया मुकेश सहनी के इस बयान के बाद में एक तरफ काफी ज्यादा खुशखबरी निकलकर आ गई है। मुकेश सहनी दरअसल आपको बता दें यह बात का साफ कर चुके हैं कि जहां पर बाढ़ जैसे माहौल हर एक बरसात में हो जाते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा मछली पालन किया जाता है और मछली पालन की निजी जो तमाम चीजें होती है, अगर जल फट जाता है या फिर जो नाव टूट जाती है या अगर तालाब को नुकसान होता है, तालाब की मछलियां बाहर निकल जाती
जाती हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले जरूरत है कि उन राज्यों को इस बात को मुहैया कराई जाए, उन राज्य और उन जिलों को इस बात की मुहैया कराई जाए कि वो अपने तमाम जो तालाब है उसका इंश्योरेंस कराएं। तमाम का इंश्योरेंस कराने के लिए मत्स्य विभाग अब लोगों की मदद करेगा। लेकिन इस बीच क्या कुछ नई रणनीतियां रहती है सरकार की, क्योंकि बरसात आ चुका है। बरसात आते ही देश के तमाम हिस्सों से ऐसी खबरें आने लगती है कि बाढ़ जैसे माहौल और कई लाख लोगों की मौत होती है इस बाढ़ में। तो इस बार ऐसा कुछ ना हो इसकी हम कामना करते हैं और सरकार से हम अपील करेंगे कि जल जमाव की स्थिति ना हो इसका आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। एम्बुलेंस के लगातार वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें कई जगहों पर दर्जनों एम्बुलेंसों को खड़ा कर जलाए और आपको बता दें कि जर्जर किए जाने की प्रयास की जा रही है। ये एम्बुलेंसों से सरकार की काफी ज्यादा मदते होती है और सरकार के साथ ही लोगों को भी मदद किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कई जगहों पर खड़े एम्बुलेंसों को सलाया जा रहा है, गलाया जा रहा है, इससे साफ होता है कि बिहार में जो एम्बुलेंस लोगों की मदद और सेवाओं में लगानी जानी चाहिए थी वो एम्बुलेंस जहां आपको अस्पतालों को पीछे लगा करके सड़ाया जा रहा है। और यह स्पष्ट स्थिति कई मीडिया कर्मचारियों ने और कई आम पब्लिक ने भी साफ कर दिया है। कई संसदीय क्षेत्रों की इस तरीके की तमाम वीडियो और फोटो वायरल हो रही है। सांसदों को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। कोविशील्ड और कोरोना की कोवैक्सीन नाम से लगातार चर्चों में जो वैक्सीने हैं इसका लगातार डोज 18 साल से ऊपर वाले लोगों को दिया जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले तमाम लोगों को इस वैक्सीन का यह पूरा डोज दिया जा रहा है। दो डोज देना है और दो डोजों का समय सीमा भी निर्धारित किया गया है। लेकिन इसी बीच 18 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए भी वैक्सीन का ट्रायल जारी है। वैक्सीन को इस बात को लेकर परीक्षण किया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अगर इस वैक्सीन को दिया जाता है तो कुप्रभाव क्या पड़ेगा, अगर शरीर के ऊपर क्या कोई कुप्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका रिसर्च जारी है। लेकिन अफवाहों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए कोरोना की वैक्सीन काफी ज्यादा जरूरी है। रामबाण से यह वैक्सीन कम नहीं है। आपको तुरंत कोरोना की इस वैक्सीन के लिए सबसे पहले जो बुक कराना होगा, बुक आप कराकर कोरोना की इस वैक्सीन को ले सकते हैं और यह आपके लिए रामबाण से कम नहीं है। आज कितना ही, आप हमारे साथ बनेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो कि एसेंशियल सर्विस वाले हो, एसेंशियल सर्विस की सभी चीजों को खोलने के सरकार के निर्देश है, जिसमें राशन दुकान या फिर पिकअप से आने वाले मालवाहक गाड़ियां, ये मालवाहक गाड़ियों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मालवाहक गाड़ियों में आने वाले सामान ये सरकार के निर्देश पर चल रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लॉकडाउन को एक नया अवसर बनाते हुए लोगों और लोगों को शिकार बना रही है दुकानें, उन दुकानों पर सख्त कार्रवाई करने का सरकार ने निर्देश भी दिया है।